सुबह सुबह हमने अपना राशन मंगाया, ऑनलाइन ही मंगा लिया क्योंकि यहाँ पे तो इतना अच्छा मिल नहीं रहा था। ये कंचन ने अपने लिए बंस मंगवाए हैं मीठे वाले, मेरा है होल व्हीट ब्रेड, पुदीना, ये भी पुदीना, और ये है धनिया, और क्या है दूध का पैकेट है, बाकी तो ये क्या चीज़ है। अच्छा सेवैयाँ मंगा ली पंचन ने अपने लिए, ये मंगाई हैं सेवैयाँ, कल बोल रही थी ये खाना है उसको, और प्याज जो मैंने केले मंगवाए हैं, तीन ही मंगवाए हैं क्योंकि अदरवाइज गल जाते हैं वो, इनमें भी कुछ होगा। और ये, अरे ये डब्बा देखो कैसे खुला हुआ है, ये अंदर से सील्ड है, ये मैंने ओरिगानो मंगवाया है। तुमने बताया नहीं तुमने सेवैया भी मंगा ली। हाँ पहले मंगाई थी, ये मीठी वाली है दूसरी नमकीन वाली है, नमकीन भी बना सकते हैं इसको, मीठा भी बना सकते हैं। और आज यहाँ देखा पुदीना है, इतने दो दो गुच्छियाँ हैं, चटनी बनी है। गुच्छियाँ क्यों आ गई, मैंने तो एक ही मंगाई थी यार, दो आई हैं, इन्होंने दो दे दी अपनी मर्जी से। तो तुम आज क्या चटनी बना रहे हो, मीठे पाव भी आ गए हैं, चटनी बना रहे हो। हाँ सैंडविच बनाऊंगी अपने लिए, तभी पूछ रही थी लेटेस्ट मंगाऊं या ना मंगाऊं। चटनी बना लेना बस, वो मैं पनीर के साथ ब्रेड लोग खाने होते हैं, मैं सैंडविच की तरह खा लूंगा, बना लूंगी बाद में। ठीक है चलो रोट्स बना दूंगा। क्या मंगाया तुमने, ये ओरिगानो खत्म हो गया था ना। ओके हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो पौने दो हो चुके हैं दोपहर के, और अभी सब कुछ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बस जिम निकलने की तैयारी है। सो अभी तो घर में सबसे हॉट डिस्कशन टॉपिक जो हमारा चल रहा है कि कंचन का आ रहा है बर्थडे, और समझ में नहीं आ रहा कि कंचन को क्या दें। वैसे तो हैं कि थोड़े दिन ही रह गए हैं, अभी तो मैं कल से पूछ रहा हूँ क्या चाहिए क्या चाहिए, बट इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। वैसे तो ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, अब जिस जब टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे चाहिए। क्या बोलो, क्या गेट दिया जाए, शगुन पा दिए। 1100 रुपए का शगुन डाल दो बस, सच्ची डिस्काउंट तुम्हारे लिए, पूरा डिस्काउंट तुम्हारे लिए, या तो तुम शगुन डाल दो या तो तुम कुछ भी दे दो। शगुन ठीक है, फिर 1100 का अपनी मर्जी से ले लेना, कुछ बाद में पक्की बात। मुकरियो ना, मुकरियो ना, क्या मुकरियो ना, मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम नॉट सीरियस, समझे? कुछ तो होगा दिमाग में, तुम बताओ। मेरे को तो है ही नहीं कुछ यार, गिफ्ट विफ्ट में कुछ रखा नहीं है यार, लेने वेने में यार कुछ मतलब नहीं बनता, पैसा वैसा उड़ाने में इतना ज्यादा, बस ये एटीट्यूड चाहिए जिंदगी में। बट अगर देना चाहे तो दे सकते हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है, उसी को इंटरेस्ट नहीं तो देने वाला क्या है। नहीं नहीं, अरे यार अब मैं कह के थोड़ी ना लूंगी यार, आगे करवा चौथ भी आ रहा है, मैं कह के नहीं लूंगी, तुम देना चाहते तुम कुछ भी दे सकते हो यार। नहीं आगे तो करवा चौथ भी आ रहा है, तो उसपे भी तो गिफ्ट होता है, उसपे क्या गिफ्ट होता है, होता ही होगा कुछ ना कुछ, पता नहीं। अब हर फेस्टिवल पे गिफ्ट होता है, राजवीर शादी हुई है, शादी के बाद गिफ्ट ही गिफ्ट होते हैं, तुम मुझे देते रहना, मैं लेती रहूंगी, तुम देते रहना, मैं भी दे दूंगी तुमको तुम्हारे बर्थडे पे। पता है मेरे को बड़ा अच्छा मनाया था। इस बार देखना तुम कितना अच्छा बनाऊंगी, मैं चलूंगी एक ऐसी जगह लेके चलूंगी, ऐसी जगह तुमको लेके चलूंगी ना, बस उसी टाइम ही बताऊंगी, किसी ने सोची ना होगी। कंचन का बर्थडे भी ना एक ऐसी तारीख को आता है कि बेचारी अपने, जैसे लड़कियों को होता है ना शौक कि बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया, ये हो गया, स्टोरीज वगैरह डालते हैं, कंचन का तो ऐसी डेट को आता है बेचारी डाल भी नहीं सकती कि बर्थडे मंथ, इसका तो आते ही खत्म हो जाता है 1st अक्टूबर। सो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं, तो बता दो तो कौन सी डेट को आता है यार, 1st अक्टूबर को, ये कौन बताएगा? 1 अक्टूबर को आता है, बस गांधी जी से थोड़े दिन पहले टाइम पहले पैदा हो गई थी कंचन, तो 1 अक्टूबर का आता है, आते ही महीना शुरू होते ही खत्म, बस डाल ही नहीं सकती ना, सितंबर में डाल सकती है कि मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया, 1 तारीख को डालते ही 1 तारीख को खत्म। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या चाहते हो आप, फिर मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं चाहती यार, बस ही यार निब्बी। सो अभी ना घर वालों के साथ ही बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अगला जो महीना है बहुत हमारा हेक्टिक रहने वाला है, अप डाउन चलता रहेगा, पूरा फैमिली के साथ ही रहना है अगला महीना तो अक्टूबर, क्योंकि
इसका बर्थडे सेलिब्रेट करके हमने घर चले जाना है, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद करवा चौथ के लिए फिर हमने इधर आना है, फिर हम यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे दिवाली के लिए, फिर कंचन का भाई भी आ रहा है। सो अगला महीना इसलिए फिर अभी घर वालों के साथ भी प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, और कंचन का बर्थडे हम इधर ही सेलिब्रेट करके जाएंगे। फेस्टिवल ही फेस्टिवल आ रहे हैं अगले महीने से, अक्टूबर से अब फेस्टिवल सारे के सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, दिवाली भी आएगी और क्या आता है, हमारा भाई भी आ रहा है, दीदी भी आएगी। अगला महीना बहुत एक्सपेंसिव महीना होने वाला है। मैं मन में सोच ही रहा था कि कंचन 30 सितंबर को हो जाती, 31 को हो जाती, 1 अक्टूबर को भी, अक्टूबर में सब कुछ आ गया ना एक साथ ही। चलो देखते हैं क्या प्लान बनता है अभी, क्या बर्थडे वगैरह तो नॉर्मली सेलिब्रेट करेंगे, बाकी गिफ्ट वगैरह का मेरे को पता नहीं कुछ। यार गिफ्ट वगैरह मुझे कोई शौक नहीं है यार गिफ्ट, बस यार मेरे को यही चाहिए। हाँ यही चाहिए, अगर किसी ने कुछ मांगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जय मुकरी। सो आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होएगी, बारिश हो जाए तो अच्छा है, पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं। कपड़े धोने थे आज और बारिश वाला मौसम हो गया, पूरा की पूरा कपड़े रह गए आज के, बारिश ना हो जाए। सारी सारी टी शर्ट पहनी हो रखी है। तो जिम जाएंगे तो होएगी ना फिर। अभी जा रहे हो जिम? हाँ निकल रहा हूँ बस, 2:30 बजे। सबसे पहले तो यहाँ जूठे बर्तन रखे हैं वो रखे जाएंगे पानी में डाल के। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन चटनी। यार ग्रीन चटनी के लिए अम्बी नहीं है अपने पास, अम्बी बट ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बनाती हूँ ना शायद मम्मी भी घर पे है ना। मम्मी से पूछ लेते हैं एक बार कैसे बनाते हैं। क्या ऐसे ही बनाते हैं, सिर्फ पुदीना होता है, धनिया भी नहीं होता, सिर्फ पुदीना होता है और प्याज होता है शायद से, है ना, प्याज मिर्ची वगैरह होती है। मैं सोच रही थी कि पहले सोच रही थी कि धनिया वाली बनाते फिर पुदीना धनिया थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी सी चटनी बना देते हैं, है ना, फिर हम खाएंगे ब्रेड के साथ सैंडविच पे लगा के। ठीक है ब्रेड तो सैंडविच तो तुम खा ही सकते हो, वो तो हेल्दी होता है ना, पनीर वाला डाल के खा लेना। हाँ वही पनीर वाला ब्रेड के अंदर डाल के वो सैंडविच खा लेना। मैंने एक कुछ मंगाई थी, 2 भेज के रख दी उन्होंने पता नहीं किस खुशी में, थोड़ा सा ही करते हैं। पहले हम इतना सा थोड़ा सा धनिया लेंगे, थोड़ा सा पुदीना लेंगे। ये इतना सा रह गया बस। हाँ मैंने सारा पुदीना नहीं डाला ना, फिर वो इतने से क्या चटनी बनेगी? ये तो धनिया और पुदीना है ना, नहीं बन जाएगी। प्याज डालेंगे अपा इसमें। ओके प्याज डालेंगे, टमाटर डाल देंगे, ये वाली टेस्टी बनती है। हरी मिर्ची भी होती है? हाँ हरी मिर्ची होती है, मैं भूल गई थी। चलो मुझे चलो अब टेस्ट कराओ। मुझे वहां से स्पून देना है तुम, चलो थोड़ी ही बनी है। ठीक है पानी डाल लेंगे। अरे टेस्ट तो कराओ, इतनी थोड़ी में रोटी खानी है। टेस्ट अच्छा है ना इतनी? नाइस, तिक्खी सी, तिक्खी तिक्खी सी, अच्छा अच्छी लगती है ना, टेस्टी बनी है ना, नाइस। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि घर के काम कुछ ज़्यादा थे, और अभी बच्चों के रात के 10:30। सो अभी करेंगे डिनर और ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। होपफुली आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।